हेलो गाइस, वेलकम बैक इन अनदर वीडियो ऑफ लास्ट आइलैंड ऑफ सर्वाइवल। ये हमारा इंफॉर्मेशन वीडियो का पार्ट 3 है और आज के पार्ट में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि मिलिट्री बेस में जो रूम्स होते हैं उनकी लोकेशन कहाँ कहाँ है और उनकी जहाँ पर वायर्स डलती हैं उन जनरेटर्स की लोकेशन कहाँ कहाँ पर है। बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं जिनको अभी तक मिलिट्री बेस के बारे में कुछ खास पता नहीं है, और अगर रूम करने जाते भी हैं तो भाई ओपन में जो बाहर रूम होता है वो सिर्फ डोर ओपन करते हैं वो, लेकिन जो बिल्डिंग के अंदर रूम्स होते हैं उनके जनरेटर्स वगैरह की लोकेशन उनको नहीं पता। और ये भी नहीं पता कि भाई जो रेडिएशन चिप यूज़ होती है जिस डोर पे, वो डोर जो है उस डोर तक कैसे जाना है। देन मैंने यार सोचा कि हम वीडियो बना देते हैं मिलिट्री बेस की फुल गाइड पे और आप लोगों को बता देते हैं सारे रूम्स की लोकेशन और जनरेटर वगैरह जहाँ पड़े होते हैं उनकी लोकेशन भी सारी बता देते हैं। तो चलो भाई हम चलते हैं जल्दी से और जाकर जो है वो सारे डोर ओपन करते हैं और आप लोगों को लोकेशन बताते हैं हर डोर की और जनरेटर वगैरह की कि उनके जनरेटर वगैरह कहाँ पड़े होते हैं और वायर्स डालने के बाद आपने कहाँ से निकलना है और फिर ऊपर कैसे जाना है। काफ़ी इजी है यार, एक दो बार करोगे तो सीख जाओगे, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। स्टार्ट में यार हमें भी नहीं पता था और हम भी जो है वो ऐसे पूछ कर ही जो है ना वो अब सीख गए हैं, लेकिन अब जो है हमें ज़्यादा मुश्किल नहीं होती, लेकिन आप लोग भी यार सीख जाओगे, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जैसे हमारे एयरपोर्ट पर टैंक घूम रहा होता है ऐसे ही यहाँ मिलिट्री बेस में होता है मॉन्स्टर एवेंजर। इसको किल करने से जो है ना आपको काफ़ी अच्छी लूट मिल जाती है, गन्स वगैरह मिल जाती हैं, और अगर आप रैंक सर्वर खेल रहे होते हैं तो आपको पॉइंट्स मेडल जो हैं वो मिल जाते हैं। और इसमें से C4 गन्स वगैरह, हैंडमेड और बाजूका, यानी कि तकरीबन ही सारी चीज़ें मिल जाती हैं यार, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टोरेंट वगैरह या जो भी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं ना वो सारी इसमें से मिल जाती हैं। तो इसको हमने ग्लिच ऐसे करना है कि भाई हम पे वो ग्लिच हो चुका है, अब मुझे वो फायर दे रहा है, यानी कि मैं अपना हॉर्स लेके उसके पास में गया हूँ और वो मेरे हॉर्स पे ग्लिच हो गया है। अब हम जाएंगे और जाकर गन से उसको किल कर देंगे। लेकिन अगर आपके पास पेट नहीं है तो आपको एक टीममेट को अपने साथ लाना होता है जिस पर ये ग्लिच हो जाता है, और उसे आप कह दें कि भाई किसी भी वॉल के पीछे छुप के खड़ा हो जाए या फिर इसके गिर्द ना भागना होता है गोल गोल दायरे में ताकि आप लोगों को गोलियां ना लगें उसकी। और दूसरा टीममेट जो होता है वो गन से या मैचेट से भी मार सकते हैं इसको। यार स्टार्ट डे में तो हम इसको SMG से या शॉर्ट गन से भी मार लेते हैं, लेकिन अभी मेरे पास ये आ रहा है तो मैं AR से ही मारूंगा। अब देखो ये इसी एरिया में घूम रहा होता है यार, जिस जगह पर मैं इसे खड़ा होकर मार रहा हूँ या इस जगह पर होता है या जिस जगह पर एक्वा खड़ा हुआ है यानी कि पीछे, या उस जगह पर खड़ा होता है या जहाँ ये अब खड़ा है वहीं खड़ा होता है। ठीक है, तो इधर उधर घूम के ना थोड़ा घूम लिया करो इसको, तो जल्दी से इसको मारते हैं और आप लोगों को लूट दिखाते हैं कि भाई इसमें से क्या क्या लूट मिलती है हमें। अब देखो हमें गन्स मिल गई हैं काफ़ी सारी, और हैंडमेड मिले हैं, पर्पल कार्ड भी मिला है, कुछ स्पेयर्स मिले हैं, स्टील मिला है और पॉइंट मेडल मिला है। ठीक है, ये लूट होती है रैंक सर्वर की, और अगर आप दूसरे किसी रैंपेज मोड में या किसी और मोड में खेल रहे होंगे तो आप लोगों को पॉइंट मेडल नहीं मिलेंगे, सिर्फ बाकी लूट ही मिलेगी, गन्स वगैरह या हैंडमेड या C4 कुछ भी मिल सकता है भाई, यानी कि काफ़ी अच्छी लूट मिलती है इससे। अब इसका टाइम नोट करके रखना पड़ता है क्योंकि हर 6 घंटे के बाद ये आ जाता है, यानी कि अगर आप अब हमने इसे किल किया है तो ये पूरे 6 घंटे के बाद दोबारा यहाँ पे स्पॉन हो जाएगा मिलिट्री बेस में। तो पूरे 6 घंटे के बाद टाइम नोट करके रखा करो और दोबारा आके इसे किल किया करो। ठीक है, तो चलो अब हम चलते हैं भाई डोर ओपन करने के लिए, और पहले हम जा रहे हैं जनरेटर की लोकेशन दिखाने आपको कि भाई इसका जनरेटर कहाँ पड़ा होता है। देखो पहुँचने ही वाले हैं हम, ये पड़ा है भाई जनरेटर और ये डोर है जहाँ से हमने बाहर निकलना है। ठीक है, अब जनरेटर में जल्दी से वायर्स डालते हैं, 35 वायर्स जो हैं वो काफ़ी होंगी, अगर आप न्यू प्लेयर हो तो आपको तकरीबन 40 के करीब डालनी चाहिए क्योंकि थोड़े लेट हो सकते हो। वैसे तो भाई 25 डालकर भी मैं जो है ना रूम कर लेता हूँ, लेकिन अभी मैंने सोचा चलो यार बताते बताते कहीं देर ना हो जाए इसलिए कुछ ज़्यादा वायर्स डाल दी। पहले यहाँ अगर आपने डोर चेक करना है कि भाई उसमें सप्लाईज पड़ी हैं या नहीं पड़ी, तो फिर जाकर जो है ना आपने डोर ओपन करना है। चलो जल्दी से चलते हैं और इस तरफ से जाना है जहाँ पे कार्ड हमारा स्वाइप होना है। ये ज़ोंबीज वगैरह किल कर देता हूँ वरना ये पीछे आ जाते हैं और आकर भी तंग करते हैं। ठीक है, अब ये वाला डोर है जहाँ से हम कार्ड स्वाइप करके अंदर जा सकते हैं। ठीक है भाई, हो जाओ स्वाइप। ठीक है, हो गया, और मैं जल्दी से डोर ओपन कर देता हूँ
क्योंकि अगर मेरा बैकपैक फुल होगा तो बाकी सप्लाईज जो है ना एक्वा उठा लेगा। अब मैंने सोचा शायद किसी बॉट ने जो है ना ये सप्लाईज तोड़ रखी हैं, क्योंकि अक्सर जो बॉट होते हैं ना वो सप्लाईज तोड़ देते हैं और ऐसे ही बिखरी पड़ी होती हैं अंदर। लेकिन भाई ये किसी बंदे ने सप्लाईज ओपन की हैं और उसका बैकपैक शायद फुल था और वो सारी सप्लाईज उठा नहीं सका, इसलिए उसने बाकी चीज़ें जो है ना वो छोड़ दी हैं। तो यहाँ पे आपको ADB एमो जस्ट मिलता है, जिससे आपको AR हैंडमेड या फिर जो है वो अच्छा आर्मर स्टील का या स्टार्ट डे में आयरन का या उसके बाद जो है ना एनर्जी आर्मर या टाइटेनियम आर्मर मिल जाता होता है। और जो एमो चेस्ट होता है उसमें से आपको हैंडमेड वगैरह या SMG या फार्मस वगैरह मिल जाती है और बाई चांस AR भी मिल जाती है। अब जो दूसरा डोर है उसकी लोकेशन भी सेम है। अब ये वाले की लोकेशन तो आपको मैंने बता दी, चलो चलते हैं दूसरे डोर पे और उसकी लोकेशन भी आपको बताता हूँ और जनरेटर की लोकेशन और डोर की लोकेशन। तो चलो जल्दी से चलते हैं। अब ये वाला डोर मैं ओपन नहीं करने वाला भाई, क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं है ग्रीन डोर ओपन करने की। लेकिन मैं वैसे जाता हूँ और आप लोगों को जाके ना इसकी जो लोकेशन है ना वो बता देता हूँ, जनरेटर की और डोर की। पहले थोड़ी सी हील बढ़ा लूँ मैं, क्योंकि ज़ोंबीज़ ने मुझे थोड़ा सा मारा था और मेरी हेल्थ कम होगी। अब जिस बंदे ने ये डोर ओपन की है ना वो बंदा भी यहीं रिपोर्ट में आ रहा था अभी, आई थिंक वो ब्लू रूम की तरफ गया है, इसलिए रिपोर्ट में नहीं आ रहा। तो जब भी मिलिट्री बेस आओ ना रिपोर्ट अच्छे से चेक कर लिया करो, ताकि कोई बंदा ना हो। यहाँ पे बहुत बंदे कैंप करके बैठे होते हैं। पहले यहाँ आना है आपने और आकर चेक करना है कि भाई रूम में सप्लाईज वगैरह पड़ी हैं। अगर सप्लाईज पड़ी हों तो फिर नीचे आना है वापस। और ये देखो ये वाला डोर है जहाँ से हमने अंदर जाना है, और दूसरी साइड पे वो सामने डोर है जहाँ से हमने बाहर आना है, यानी कि उसके बिल्कुल ऑपोजिट ये वाला डोर है जिससे हमने इंटर होना है। ठीक है, तो यहाँ से इंटर होते हैं जल्दी से और जाते हैं भाई जनरेटर के पास, वायर्स डालते हैं और फिर जो डोर मैंने आपको दिखाया है वहाँ से हम बाहर निकलते हैं। अभी जनरेटर में अगर वायर्स नहीं भी डालोगे ना तो ये वाले डोर से आप बाहर जा सकते हो। देखा उसकी लाइट ऑन है, लेकिन हमने वायर्स डालनी है यहाँ पे, तो 35 डालते हैं और जल्दी से चलते हैं भाई ऊपर ग्रीन डोर का, आपको दिखाने के लिए कि इसका डोर कहाँ होता है। भाई सेम लोकेशन है जो पहले डोर में हम गए हैं उसकी और इसकी, दोनों की एक ही तरह से ऊपर जाने की लोकेशन है। जल्दी से चलते हैं और आप लोगों को कंफर्म भी करवा देते हैं। ठीक है, ये वाला डोर है, यहाँ पर कार्ड यूज़ नहीं होता। देन हमने इस तरफ से घूम कर जाना है। देखो ये ज़ोंबीज वगैरह खड़े होते हैं और ये जो है वो मिरर लगा हुआ है, यहाँ से भी आप देख सकते हो अंदर सप्लाईज वगैरह पड़ी हैं या नहीं पड़ी। जल्दी से चलते हैं और जाकर ना आपको लोकेशन दिखाते हैं डोर की जहाँ कार्ड स्वाइप होता है। ठीक है भाई, ये डोर है जहाँ पर हमारा ग्रीन चिप जो है वो यूज़ होगा और डोर ओपन होगा। ठीक है, तो चलो ये वाली लोकेशन कंफर्म हो गई है। अब इसके बाद जो है वो हम जाएंगे, यहाँ पर एक और रूम होता है जो कि इस वक्त ब्लू रूम है, लेकिन ये चेंज होता रहता है। ब्लू रूम और पर्पल रूम इन दो बिल्डिंग्स में होते हैं और अक्सर जो ग्रीन रूम है वो बैक साइड पे होता है। देन चलो जल्दी से चलते हैं उस रूम पे भी जाके आपको उसकी भी लोकेशन मैं बता देता हूँ और आपको यहाँ से बता भी देता हूँ कि आपने किस तरफ जाना है। अब ये जो सामने वेयर हाउस है इसमें डिसमेंटलर होता है वो सामने वाले में, ठीक है, जो हमारे लेफ्ट हैंड पे है इस वक्त, इसमें डिसमेंटलर है। आप अगर चीज़ें डिसमेंटल वगैरह करनी हो तो वो भी कर सकते हो। वैसे अक्सर मैं अपनी वीडियोस में दिखाता भी हूँ कि भाई मैं यहाँ चीज़ें डिसमेंटल कर लेता हूँ, यानी कि अगर मेरा बैकपैक फुल हो जाता है तो गन्स वगैरह भी डिसमेंटल कर देता हूँ मैं। ठीक है, तो अब जो है वो हम जा रहे हैं भाई ब्लू रूम की तरफ और ब्लू रूम की लोकेशन भी आपको दिखा देता हूँ और उसका जनरेटर भी बता देता हूँ आपको कि कहाँ पड़ा हुआ है। भाई हॉर्स का ना बहुत गंदा ग्लिच है, कई दफ़ा बंदा किसी चीज़ से टकरा कर ना किल हो जाता है। मैं बहुत दफ़ा यहाँ पे मिलिट्री बेस में किल हुआ हूँ और यार बाद में फिर जब बंदा बोट लेके या हेली लेके यहाँ पहुँच जाता है तो उसके बाद में जो है ना यहाँ अगर किल हो जाए तो आना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि भाई तैर तैर के आना पड़ता है, बोट में आना तो काफ़ी आसान होता है। चलो पहले हम चेक करते हैं कि इस डोर में सप्लाईज वगैरह पड़ी हैं या नहीं पड़ी। भाई कार्ड नहीं पड़ा, ये ब्लू डोर है, यहाँ से आपको पर्पल कार्ड जो है ना वो आसानी से मिल जाता है, और जो ग्रीन डोर होता है, ग्रीन डोर जब आप ओपन करोगे तो वहाँ से आपको ब्लू कार्ड मिल जाएगा। और जो कार्ड का टाइम है वो आई थिंक 3 घंटे है, 3 घंटों के बाद जो है ना वो आता है कार्ड रूम में दोबारा से, यानी कि अगर आप एक दफ़ा कार्ड उठा लोगे तो 3 घंटों के बाद दोबारा कार्ड स्पॉन होगा। यहाँ वायर डालनी है हमने और ऊपर जाके कार्ड स्वाइप करना है जहाँ हमने देखा था।
वो लोकेशन मैंने आपको दिखा दी है कि कहाँ आपने कार्ड स्वाइप करना है। ठीक है, आज की वीडियो में भाई इतना ही, और उम्मीद है कि आप लोगों को सब डोर्स की समझ आ गई होगी, और नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं किसी और लोकेशंस के साथ। तो अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।